छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। मैं आपकी बेटी हूँ पापा। काहे की बेटी? मेरी कोई बेटी बेटी नहीं है। चलो नखरे मत दिखा जाता। जी पापा, आपको शर्म आनी चाहिए। मेरी मम्मी आप पे इतना भरोसा करती है, आप खाए ये रुक देखिए उनको बहुत दुख होगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारी मम्मी के लिए शादी किया था? मैंने तुम्हारे लिए शादी किया था। चल अब आ जा नखरे मत दिखा। मान भी जा। दोस्तों इस देश में जहां माँ को ममता की मूरत कहते हैं, वहीं पिता को आदर्श की मिसाल, एक संरक्षक, खास करके बेटियों के लिए। जहां रक्षक ही भक्षक बन जाए, वहां जिंदगी से विश्वास नाम की चीज ही मिट जाएगी। लानत है दिनेश जैसे लोगों पर जो पिता पुत्री के रिश्ते को अपवित्र करते हैं। राजू बेटा नाश्ता करो। ठीक है। राजू बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है पापा, कहिए ना। बेटा तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मम्मी की जरूरत है? लेकिन पापा, मम्मी तो हमें छोड़ के भगवान के पास चली गई ना। हाँ बेटा, पर मुझे कुछ और बात करनी है। क्या? मैं चाहता हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ मैं, जिससे घर में नई मम्मी आ जाएगी, तुम्हारा भी ख्याल रखेगी, हमारे घर का भी ख्याल रखेगी। पापा बात तो आपकी सही है, लेकिन वो मुझे मम्मी की तरह प्यार तो करेगी ना, मुझे तकलीफ तो नहीं देगी ना? नहीं राजू, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें मम्मी की तरह ही प्यार करेगी। ठीक है पापा, आपको जो सही लगे आप करिए, मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक यू बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं ऑफिस चलता हूँ, बाय बेटा। बाय पापा। राजू बेटा देखो तो कौन आया है। दिव्या बैठो लो। पापा आप मेरे लिए मम्मी ले आए, ये आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन साथ में ये कौन है? ये तुम्हारी बहन रिया है बेटा, मम्मी के साथ तुम्हारी बहन भी मिल गई तुम्हें। हाँ राजू बेटा, आज से मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। आओ बेटा मेरे पास आओ। राजू बेटा अपनी बहन को घर तो दिखाओ। हाँ पापा चलो रिया, मैं हमारा घर दिखा देता हूँ और तुम्हें तुम्हारा कमरा भी। देखा दिव्या, हमारा राजू कितना समझदार है। हाँ दिनेश, वाकई में राजू बहुत ही प्यारा बच्चा है। तुम देखना, मैं तुम्हें और राजू को कभी भी किसी बात की तकलीफ नहीं होने दूंगी। मुझे तुमसे यह उम्मीद थी दिव्या, अब मेरे पूरे घर की बागडोर तुम्हारे हाथों में, तुम खुश तो हो ना यहाँ आकर? हाँ दिनेश, सच में आज मैं बहुत ही खुश हूँ, मुझे तुम्हारा जैसा पति और राजू जैसा बेटा मिला। थैंक यू, चलो अब तुम्हें अपना घर दिखा देता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं?
अपनी बेटी से प्यार भी नहीं कर सकता? लेकिन पापा मुझे ये सब नहीं पसंद, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। अरे तुम तो नाराज हो रही हो भैया बेटा, एक बेटी अपने बाप से नाराज होती है? फिर भी पापा ये सब आपको शोभा नहीं देता, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तुमको बुरा लगा, आई एम सॉरी, ओके। क्या हुआ रिया, क्या हो रही है? मम्मी मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोलो बेटा। आप और राजू घर भी नहीं थे तो पापा मेरे पास आए और वो मेरे साथ अजीब सी हरकतें करने लगे। अजीब सी हरकत मतलब? हाँ मम्मी। मैं कुछ समझी नहीं। हाँ मम्मी, वो मेरे पास आके बैठे और अपना हाथ इधर उधर फिराने लगे। तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है बेटा, वो तो तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं, इनके बारे में ऐसा नहीं सोचते। नहीं मम्मी, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि सही और गलत का फर्क ना समझूं, इतना तो मैं समझ ही सकती हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था बेटा, मैं इनसे बात कर लूंगी, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है? अपनी माँ पर तो तुम्हें भरोसा है ना? ठीक है मम्मी, मुझे जो सही नहीं लगा वो मैंने आपको बता दिया। मैं गलत तो नहीं हूँ ना मम्मी? मेरी बेटी गलत हो ही नहीं सकती। चलो अब इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी। तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ। ठीक है, जाओ। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन रिया ने मुझसे कहा तो मैंने आपको पूछना जरूरी समझा। अब एक बाप अपनी बेटी को प्यार भी नहीं कर सकता, फिर भी अगर रिया को बुरा लगा है तो मैं कल उससे माफी मांगूंगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे दिल में जो था वो मैंने आपको बता दिया, मैं गलत तो नहीं हूं ना? नहीं दिव्या, तुम गलत हो ही नहीं सकती। चलो इस बात को यही खत्म करते हैं, अब तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? मेरी सहेली का कॉल आया था, वो बहुत बीमार है तो मैं इसके घर जा रही हूँ, कल रात तक लौटूंगी, और राजू भी मेरे साथ चल रहा है। रिया घर में अकेली तो उसका ख्याल रखना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बाय रिया। बाय दिनेश। बाय बाय बेटा। पापा आज आप जल्दी घर आ गए? हाँ रिया,
ऑफिस का काम जल्दी हो गया तो जल्दी घर पे आ गया। अरे तुम एक गिलास पानी लो मेरे लिए। ठीक है पापा, आप बैठिए ले लिया। अरे रिया, दिव्या और राजू नहीं दिख रहे घर में? ओ नहीं पापा, वो लोग बाहर गए। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? हाँ बहन बोलो ना, क्या हुआ और ये किसने किया? मम्मी, राजू जब आप तो घर पे नहीं थे तो पापा ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। क्या क्या किया तेरे साथ, बोल बेटा। कमीने, ये तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? तुझे शर्म नहीं आई? वो तेरी बेटी थी। सोच समझ कर हाथ लगा दिव्या, तो मेरी बेटी नहीं है, तेरी बेटी थी, समझे? और ये मत भूलो कि अगर मैंने सहारा नहीं दिया होता तो तुम दोनों माँ बेटी दर्दर की ठोकरे खाते। इसलिए अपनी औकात मेरे से बात कर। जी पापा, इतनी नीच सोच है आपकी। तुम्हें पापा कहने पे भी मुझे शर्म आती है। वो सब करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा? ए लड़के, अपने बाप को मत सिखा। साला कल का लड़का, अपने बाप को सिखा कर क्या करना क्या नहीं करना। चल जा। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देख अब मैं क्या करती हूँ। क्या कर लेगी तू? अपनी और अपनी बेटी के बारे में सोच, उसका क्या अंजाम होगा? मेरे अंजाम की तो फिक्र मत कर, तुझे तो मैं जेल भिजवा के रहूंगी। सही बात है मम्मी, ऐसे लोगों की सही जगह जेल में ही है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। इंस्पेक्टर मनोज कुमार, मुझे यहाँ से कॉल आया था। सर मैंने आपको कॉल किया था। बताओ क्या हुआ? सर मैं दिव्या, अरे मेरी बेटी दिव्या, मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है। समझ गया, किसने आपकी बेटी के साथ गलत किया? सर मेरे पति ने ऐसी हरकत की है। क्या, एक बाप ने अपनी बेटी के साथ? कहाँ है वो कमीना? सर हमने इसे रूम में बंद करके रखा है। चलो मैं आपको दिखाती हूं। ठीक है चलो। हाले कमीने, अपनी बेटी के साथ क्या किया? कैसा बाप है तू? ये मेरी बेटी नहीं सर, ये दरअसल मेरी दूसरी पत्नी की बेटी है। क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल मेरी पहली पत्नी गुजर जाने के बाद मैंने दूसरी शादी की थी, ये उसी की बेटी है। आखिर तो ये तुम्हारी ही बेटी हुई ना। कहा कमीने को मेरे नजरों से दूर, और इसे ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना है जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगा। चला ले जाओ इस कमीने को। दोस्तों मैं राकेश श्रीवास्तव आपसे ये कहते हुए इजाजत लेता हूं कि पिता पुत्री के इस रिश्ते की कद्र करें, अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें, हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें और जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत।